योगी का संकल्प बनाएंगे विकल्प। यूपी में नई विधानसभा के निर्माण के लक्ष्य पर जल्द काम शुरू होगा। बता दें कि आधुनिक सुविधाओं से नया विधानसभा लैस होगा और इसके निर्माण में करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। दिसंबर 2023 में इसकी आधारशिला रखी जा सकती है। नया विधान भवन 2027 से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। निरावन, दारुल शफा और आसपास के क्षेत्र का मिलाकर विधान भवन का निर्माण किया जाएगा। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी में नई विधानसभा के निर्माण का लक्ष्य, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नया विधान भवन। निर्माण में करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान। दिसंबर 2023 में आधारशिला रखे जाने की चर्चा। अटल जी की जयंती पर रख सकती है आधारशिला। नया विधान भवन 2027 से पहले बनकर हो जाएगा तैयार। निरामन, दारुल शफा और आसपास के क्षेत्रों मिलाकर होगा निर्माण। दिल्ली में नए संसद भवन की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी नई विधानसभा बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नए विधान भवन की आधारशिला रखी जा सकती है। इसके निर्माण कार्य में करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस नए भवन का निर्माण निरामन, दारुल शफा और आसपास के क्षेत्र को मिलाकर होगा। नया विधान भवन लखनऊ के दारुल शफा इलाके में बनाया जाएगा। नए भवन का शिलान्यास इस साल 25 दिसंबर को अटल जयंती पर किया जाएगा। भवन को 2027 तक बनकर तैयार करने की समय सीमा बताई जा रही है। मौजूदा विधानसभा की बिल्डिंग 100 साल से भी अधिक पुरानी है, इसमें जगह भी कम है। भविष्य में सदस्यों की संख्या और जरूरतों को देखते हुए नए विधानसभा की जरूरत महसूस की जा रही है। आपको बता दें कि 2027 से पहले इसका निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल मौजूदा विधानसभा की बिल्डिंग करीब 100 साल पुरानी है। ये लखनऊ के हजरतगंज में स्थित है। जब विधानसभा की कार्रवाई चलती है तो जगह कम होने के कारण आसपास ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। बताया जा रहा है कि भविष्य में होने वाले परिसीमन को देखते हुए तो मौजूदा विधानसभा काफी छोटी साबित होगी। ऐसे में योगी सरकार का लक्ष्य है कि 18वीं विधानसभा के कम से कम एक सत्र का आयोजन नए विधान भवन में हो। मौजूदा विधान भवन का इतिहास करीब 100 साल पुराना है। विधान भवन इसकी नींव 15 दिसंबर 1922 को तत्कालीन गवर्नर सर सस्पेंसर हार्डकोर्ट बटलर ने रखी थी। यह भवन करीब 6 साल में बनकर तैयार हुआ था। 21 फरवरी 1928 को इसका उद्घाटन किया गया था। विधान भवन का निर्माण कोलकाता की मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी ने किया था। इसके मुख्य आर्किटेक्ट सर सिवनोन जैकब और हीरा सिंह थे। विधानसभा के निर्माण के लिए 21 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। विधान भवन यूरोपियन और अवधि निर्माण की मिश्रित शैली का नमूना। इसमें फिलहाल 403 विधायकों के बैठने की व्यवस्था है। गौरतलब है कि नए विधान भवन का प्रस्ताव पहले ही पास हो चुका है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश माना ने बताया कि यह उनकी इच्छा है कि जल्द ही नई विधानसभा यूपी को मिले। उनका कहना है कि यह सरकार का काम है और अभी तक उनको इसके बारे में सूचित नहीं किया गया है, लेकिन वह नई विधानसभा बनने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि जुलाई 1935 में विधान परिषद की बैठकों और कार्यालय कक्षों के लिए एक अलग चैम्बर का प्रस्ताव किया गया था। एक्सटेंशन भवन का निर्माण मुख्य वस्तुविद A.M. मार्टिमर ने कराया था। इसे लोक निर्माण विभाग की देखरेख में नवंबर 1937 में पूरा किया गया था। विधान परिषद में फिलहाल 100 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।